अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मैं ज़मीन पर बैठकर इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये मेरा एहतजाज है इस मुल्क के निज़ाम के ख़िलाफ़, और ये मेरा कानूनी और आइनी हक है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा या मेरी टीम को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचा दिया जाएगा तो मैं कातिलों को पेशगी नामज़द कर सकूँ, और मैं नामज़द करने जा रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो उस सूरत में मेरे या मेरी टीम के कत्ल का मुकदमा इस सूबे के चीफ जस्टिस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस, इस सूबे के आईजी और इस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एक शख्स जिसे 2017 में रेंजर्स के साथ हमने गिरफ्तार करवाया था, जो जाली डीएसपी था, जब हमने रेंजर्स के साथ रेड की उस वक्त भी कपकपाती, रोती, बिलकती, चीखती, चिल्लाती, मदद मांगती बंधी हुई लड़कियों को हमने वहां से उसके चुंगल से बाजियाब करवाया था। हमारे लोगों ने उसकी टीम में शामिल होकर उसकी खूंखार वारदातों को रिकॉर्ड किया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो मियां बीवी को लेकर आया था, दोनों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था, बीवी को अपने पास रखा था और शौहर को भेजा था कि वो अपनी बीवी के तावान के पैसे लाए और बीवी को वापस लेकर जाए। ये तमाम तर उसकी दहशत, उसकी वहशत, उसकी बर्बरियत हमने रिकॉर्ड की अपनी जान पर खेल कर। एक लहजे के लिए, जो लोग कहते हैं ना जी फेक और प्लांटेड प्रोग्राम, जरा कोई एक लम्हे के लिए ये जुर्रत करे कि लोडेड पिस्टल्स के सामने आप उसके गैंग में शामिल होकर उसके खिलाफ खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया, रेंजर्स के साथ इसे गिरफ्तार करवाया, अल्टीमेटली ये शख्स बाहर आ गया। और जो ये शख्स बाहर आया है उस पर कितनी FIRें जरा मुलाहिजा कीजिएगा। इसकी वालिदा आंटी शबनम, उन पर जो सिर्फ अभी पिछले 24 घंटे में हमने रिकॉर्ड हासिल किया उसके मुताबिक 5 FIRs हैं, 2013 में 2, 2014 में 1, 2015 में 1, 2016 में। इसी तरह जो शख्स जो हमने गिरफ्तार करवाया, जो जाली DSP था और उसने अपने इर्द गिर्द जाली पुलिस बना रखी थी, उस पर सिर्फ अभी जो हमने 24 घंटे में इंफॉर्मेशन हासिल की 7 FIRs हैं, कत्ल की, इकदाम कत्ल की, मनशियात की, डकैती की, राहजनी की, गैर कानूनी असलहे की, अगवा बराए तावान की। और ये शख्स आज भी सुबह अदालत में धमकी दे के गया है कि मैं देख लूंगा टीम सरेआम को, आज पेशी थी और आज भी उसकी जमानत, जो अबूरी जमानत उसने हासिल की थी, वो कंटिन्यू हुई है और अगली तारीख पड़ गई है। आप अपने साथ साथ भी देखते रहेंगे लेकिन मैं आपको जरा बताता भी रहता हूँ। ये दरख्शां थाने में 2016 में इस पर दफा 324 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये वजी जिस जल्दी DSP की मैं बात कर रहा हूं, 2013 में हमने तो 2016-17 में कार्रवाई की, 2013 से इस पर मुकदमात होते आ रहे हैं और ये शख्स बाहर है आज भी। 2013 में इस पर FIR दर्ज हुई थाना सर सैयद में, पुलिस की जाली वर्दी बरामद हुई, 170 और 171 दफात लगी। 292 दफा के तहत 2013 में एक और मुकदमा इस पर दर्ज हुआ, इसकी वालिदा आंटी शबनम पर दर्ज हुआ। फिर वजी पर 2016 में 10/5/2016 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ, 170, 171 और दफा 34 के तहत थाना सर सैयद में। फिर 2/1/2016 को एक और मुकदमा इस पर दर्ज हुआ, 292, 294, 34, 371A। फिर वजी पर 2016 में 10/5/2016 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत, जिसमें एक पिस्टल 9 mm बरामद हुई, 3 अदद लोडेड मैगजीन बरामद हुए इससे। फिर वजी साहब पर 2014 में एक और मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 1140 ग्राम चर्स बरामद हुई, और मेरी इल्म के मुताबिक 1000 ग्राम से ज़्यादा पर सजाए मौत होती है, लेकिन ये साहब आज भी बाहर हैं और धमकियां दे रहे हैं। अगेन, धमकियों से डरने वाले नहीं, हर दूसरा आदमी इसी कैलिबर का हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब किया है और ये सारे के सारे हमारी जान के दर पे हैं, लेकिन चूंकि इसने कोशिश की अगवा करने की हमारी टीम के एक मेंबर को, उसकी CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया भी, तो इसलिए ज़रा हम बेनकाब करना चाह रहे हैं इस मुल्क के सिस्टम को भी कि ये इतनी FIRों के बावजूद ये आदमी इस वक्त खुला फिर रहा है और धमकियां दे रहा है। 6/9/2014 को वजी साहब पर एक और FIR हुई 394 और 34 TP के तहत। इस शख्स पर जाली DSP वजी पर 2/1/2014 को एक और मुकदमा दर्ज हुआ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत, जिसमें रिवॉल्वर 32 बोर, 2 राउंड जिंदा यानी और बगैर लाइसेंस के ये बरामद हुए से, सारी आप अपने साथ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 28/5/2015 को वजी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ 342, 324, 355, 170, 171, 372, 34, 335, 403, 337, ये दफात लगी इसके अंदर। फिर जनाब इसकी वालिदा पर, आंटी शबनम पर, जो कि बुनियादी तौर पर एक
फाशी का अड्डा चलाने का और मनशियात का अड्डा चलाने का काम करती हैं। 2014 में ये नई FIR नहीं है, 2013 से ऑनवर्ड्स की FIR आपको दिखा रहे हैं। 1595 ग्राम चरस बरामद हुई 2014 में, ये FIR आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर जनाब एक और मुकदमा दर्ज हुआ और उसका उसकी तारीख है 15/3/2020। ये थाना सर सैयद सेंट्रल में दर्ज हुआ और इसमें 371, 372, 334 ये सारी दफात लगी। ये वो हैं जो अभी हम हासिल कर सके रिकॉर्ड। इस कदर ख़तरनाक मुजरिम कत्ल, इकदाम कत्ल, मनशियात, गैर कानूनी असलहा, अगवा बराए तावान, जिसे रेंजर्स के साथ हमने गिरफ्तार करवाया, जो इस वक्त बाहर निकल कर हमारे एक मेंबर को गिरफ्तार कर अगवा करके तशद्दुद की गरज से उसने उसको बताया कि मैं तुम्हें हब चौकी पर ले जाकर टुकड़े करके मारूंगा और बाकी मेंबरों को भी टीम सरेआम के, और वो अल्लाह की मेहरबानी से CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो उसे गोलियां जबरदस्ती पिस्तौल के जोर पर खिलाई थी उनका असर जायल हुआ और बेचारा वो भागने में कामयाब हो गया। तो उस अगवा का जो पर्चा हुआ उसकी भी उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत हो गई और आज उसकी जमानत में मजीद तौसी हो गई है। इस कैलिबर का शख्स इस मुल्क के अदालती निज़ाम के हाथों आज़ाद फिर रहा है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि आप, ये तो एक बहुत ही छोटे लेवल का मुजरिम होगा, इससे बड़े बड़े मुजरिमों को बेनकाब किया है। हम तो जब घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों का माथा चूम के इस नीयत से निकलते हैं कि वापस पता नहीं आ सकेंगे या नहीं आएंगे, किस गोली पर हमारा नाम लिखा होगा। टीम सरेआम के जितने भी मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जान लिटरली हथेली पर रखकर बेनकाब करते हैं मुजरिमों को और हर वक्त मौत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो जो ख़तरनाक चीज़ है, एक तो ये कि एक ऐसा आदमी जिसने टीम सरेआम की मदद की, वो अगवा हुआ, अगवा होने से वो बच निकला किसी तरह से, और उस पर जो FIR हुई उसमें उसको जमानत मिल गई, उस मुजरिम को जिस पर दर्जनों मुकदमात हैं कत्ल के, इकदाम कत्ल के, असलहे के, अगवा बराए तावान के, और इससे बढ़कर ये कि आज भी अदालत में खड़े होके वो उस शख्स को धमकी दे रहा है कि मैं देख लूँगा तुम्हें भी और टीम सरेआम को भी। तो ये मुझे नहीं पता कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के लिए। पुलिस अहलकार जाहिर वो यही कर सकते हैं, उन्होंने ये इतने सारे पर्चे दिए हैं उस पर, अब जाहिर अदालतों का काम है कि उसको सजा दी जाए, कम से कम ऐसा खतरनाक आदमी बाहर ना हो। 3 साल ये जेल में रहकर आया है और जेल में रहने के बाद इसने एक पूरा गैंग तश्कील दे दिया है और बाहर आकर जो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है उसकी भी हम तफसीलात इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन आप सोचें, इस मुल्क में क्या आप और मैं अपने बच्चों को छोड़कर मरना पसंद करेंगे इन हालात में कि जब एक क्रिमिनल इतना ताकतवर है, एक फहाशी का अड्डा चलाने वाली उसकी माँ इतनी ताकतवर है कि इतने मुकदमात में वो इस वक्त भी जमानत पर है और धमकियां दे रहा है, और आज ही उसने एक मोबाइल शॉप पर जाकर हमारे ही एक मेंबर के शनाख्ती कार्ड पर एक मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा है और उसकी भी तस्वीर हमें मौसूल हो गई हैं। ये हाल है इस मुल्क का। हमें कहा जा रहा है कि जी आप पुलिस की सिक्योरिटी ले लें जब तक हम इस शख्स को गिरफ्तार नहीं करते। किस चीज़ में गिरफ्तार करेंगे, ये इतने सारे मुकदमे हैं, सब में तो उसकी बेल हो गई, वो बाहर आ गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ DIG साउथ का, SSP साउथ का, SP साउथ का, SSP इन्वेस्टिगेशन बशीर बरोही साहब का, शिराज साहब का, जितने भी अहबाब हैं फ़ोन कर रहे हैं, हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पुलिस एहलकार भिजवा देते हैं आपके साथ, टीम के साथ, लेकिन हम आवाम के टैक्स के पैसों से सिक्योरिटी नहीं लेंगे। हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं वसाइल को इस्तेमाल कीजिए इस तरह के मुजरिमों के खिलाफ खुदा के वास्ते, वरना कोई भी शख्स जिसका बस चलेगा वो इस मुल्क से चला जाना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि इस तरह के निज़ाम इंसाफ के अंदर अपनी औलाद को छोड़कर वो इस दुनिया से रुखसत हो। सो मेरी जितने भी अरबाब इख्तियार इस वक्त देख रहे हैं, बिलखसूस अदालत से मुतल्लिका जो शख्सियात हैं, अल्लाह ने जिन्हें इख्तियार दिया इंसाफ का, उनसे दस्तबस्ता दरख्वास्त है, इस क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल शख्स भी अगर इस वक्त आज़ाद फिर रहा है तो फिर वो लोग जो तनकीद करते हैं वो तो करते ही हैं, मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, अगर इस पर तौहीन अदालत लगती है तो मैं हाजिर हूँ, गिरफ़्तार कर लीजिए, जो सज़ा बनती है आप बिल्कुल सज़ा दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मकसद कोई हमदर्दी वसूल करना नहीं है, कोई सिक्योरिटी लेना नहीं है और ना इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लेंगे, मकसद सिर्फ बेनकाब करना है इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को, ये बताना है कि इस मुल्क में मुजरिम, कातिल, अगवा करने वाला, फहाशी का अड्डा चलाने वाला, मनशियात का अड्डा चलाने वाला कितना ताकतवर है और सच दिखाने वाला और सच को बेनकाब करने वाला कितना वल्नरेबल है, कितने ख़तरे में है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहेंगे, चाहे उस शम्मा में, उस दिए में हमें अपना लहू शामिल करना पड़े। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।